बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। बलिया मुख्यालय पर बनने वाले आधुनिक बस अड्डे के साथ उजियार घाट पर भी बस अड्डा एवं लोक निर्माण विभाग के 72.86 करोड़ की लागत से बनने वाली कुल 80 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें टिकार बंधे से मुक्तिधाम मार्ग व जमुआ रिंग बंधा से धरिक्षण दास की कुटिया मार्ग पर पुलिया भी शामिल है। नगर विकास विभाग की भी 17.60 करोड़ के 65 कार्यों का शिलान्यास तथा 6.38 करोड़ की 32 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। जो कुछ योजनाएं परिपूर्ण हो चुकी हैं उसका उद्घाटन भी था और विशेष करके आज जो है हमारे बस अड्डा बलिया में आधुनिक बस अड्डा बनने जा रहा है। इसके पहले फेज में 48 करोड़ रुपया स्वीकृत किया जा चुका है, उसका काम भी प्रारंभ हो गया है, आगे और ये बढ़ेगा। दूसरा उजियार घाट में भी एक बस अड्डा, उसका भी शिलान्यास किया गया। तो ऐसे करके बहुत सारी योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण किए। तो किस तरीके से बलिया के विकास को आप देख रहे हैं? बलिया को हम लोग विकास के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। जो विकास लखनऊ में है, बनारस में है, गोरखपुर में है, वो विकास बलिया में भी दिखे, उसका प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इसलिए यहाँ के जो मूलभूत आवश्यकता है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आवागमन भी एक बहुत बड़ा विकास के लिए साधन होता है। तो हम लोग सड़कों का यहाँ जो है जाल बिछा रहे हैं, यहाँ पर अच्छे बसें चला रहे हैं, वो अच्छी एक डिपो भी हो यहाँ पर, लोग आधुनिक हो, हमारी महिलाएं आए तो उनको बैठने के लिए अलग से हो, कैंटीन हो, होटल हो, वहीं पर रुक सके, वहीं मार्केट कर सके, मॉल भी हो, इस तरह की व्यवस्था यहाँ के अपने जो डिपो बना रहे हैं उसमें करना। यूपी साठ न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।